बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ये धाम भगवान बद्रीनाथ यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो कुछ ग्रंथ ये भी बताते हैं कि शुरुआत में ये मंदिर एक बौद्ध मंदिर था, लेकिन जब आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में यहाँ पे घूमने आए थे तो उन्होंने इस मंदिर को एक हिंदू मंदिर में बदल दिया था। एक और मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु यहाँ पे कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन तपस्या करते टाइम वो यहाँ के खराब मौसम से अनजान थे, तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का आकार ग्रहण कर लिया और कठोर मौसम से बचाने के लिए उन्हें अपनी शाखाओं से ढक लिया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से खुश हुए और इस जगह का नाम बद्री का आश्रम रख दिया। एक और मान्यता के अनुसार नर और नारायण जो कि धर्म के दो पुत्र थे तो वो अपना आश्रम बनाने के लिए एक नई जगह की खोज कर रहे थे। आश्रम की खोज करते करते वो हिमालय के क्षेत्र में आ गए तो उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक ठंडा और गर्म बसंत मिला और इसी जगह को उन्होंने बद्री विशाल का नाम दिया और इसी तरह से बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व आया। नर और नारायण नाम के दो पर्वत भी हैं जिसके बीच में ये मंदिर है। नर अगले जन्म में अर्जुन के अवतार में पैदा हुए थे और नारायण ने कृष्ण जी का अवतार लिया था। इस मंदिर से जुड़ी काफी सारी मान्यताएं हैं जिसमें से एक मान्यता और है कि जब गंगा नदी धरती पे आई थी तो उनकी एक धारा अलकनंदा के नाम से प्रसिद्ध हुई और इसी अलकनंदा नदी के किनारे विष्णु भगवान ने अपना निवास स्थान बनाया जिसको बाद में बद्रीनाथ के नाम से जाना गया। और ये भी माना जाता है कि बद्रीनाथ की गुफा में वेदव्यास ने बैठ के महाभारत भी लिखी थी और पांडव अपने स्वर्ग जाने से पहले भी इस जगह पर रुके थे और इसी जगह पे शिव जी को अपने ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इस मंदिर के अंदर विष्णु जी की एक प्रतिमा है जो कि 1 मीटर लंबी है। माना जाता है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा भगवान शिव को अलकनंदा नदी के अंदर से मिली थी। ये मंदिर 15 मीटर ऊंचा है और यहाँ ये माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पे आता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। इस मंदिर की एक मुख्य कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। इसका मतलब ये है कि जो भी इंसान बद्रीनाथ मंदिर जाता है उसे दोबारा माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दर्शन करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो गाइस क्या आप इस मंदिर में गए हो? कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।